भैया सुन लिया हम लोग तुम्हारा दरेरा जो है ना, है कि यही ना कि गुरु आते हो दो दिन और फिर बाकी गायब रहते हो दो हफ्ता। तो सुनो, ऐसा हुआ इस बार कि हम चले गए थे उत्तर प्रदेश में एक दिन सड़क पर। सड़क का ही हाल है यार कि एक दिन गए और कई दिन हम खुद ही नहीं चल पाए। और तब का दिन है और आज का दिन है, कसम लिए जब तक योगी जी गद्दा पाट नहीं देंगे, सड़क पर कदम नहीं रखेंगे, हवा में चलेंगे, वो भी कितना 300 की स्पीड से। तब अब जब तुम लोग का दरेरा वरेरा हम सुन लिए तो बात कर लेते हैं हफ्ता वसूल की। अभी हफ्ता जो है नेताजी हमारे नहीं रहे, उनका निधन हो गया। तो ऐसे में जो हमारा शो है यानी कि हफ्ता वसूल, उसमें हम बातचीत करते हैं वो दद्दा वद्दा लोग, अपने ज्ञानी चचा भी हैं, बूढ़े लोग हैं, उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से, बूढ़े बुजुर्ग के आशीर्वाद से शो चल रहा है। तो हम भी कुछ ऐसे बूढ़े बुजुर्ग को धर लाए हैं जो नेताजी के साथ खेला कूदा करते थे। अब वो आपको बताएंगे कि नेताजी के साथ ऐसी ऐसी कहानियाँ जो आपने नहीं सुना। क्या दद्दा लोग जो है ना सबसे बढ़िया कहानी सुनाते हैं। सुनिए दद्दा लोगों से नेताजी की कहानी। जब वो हेलीकॉप्टर से उतरे तो उनके मित्र ने कहा कि आप तो हेलीकॉप्टर में बैठते हो लेकिन हमें भी हेलीकॉप्टर का आनंद दिलवाओ। तो उन्होंने पायलट को बुला करके कहा कि इन्हें घुमा दीजिएगा। तो वो व्यक्ति लाठी लेकर के वहाँ बैठ गए हेलीकॉप्टर में जाके। तो फिर उन्होंने टोका कि लाठी लेके आप नहीं जा सकते। तो ये बात नेताजी तक आई तो नेताजी ने कहा लाठी जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है और ये आपका अहित नहीं करेंगे और उनको घुमा दीजिएगा। जैसे लल्लू सिंह चौहान ये तो कम्युनिस्ट थे और रोज़ मुलायम सिंह से अंटसंट कहते रहते थे अपना जो चाहे सो, लेकिन एक बार नेताजी के पास पहुंच गए और उन्होंने कहा हमें शहीद, वो जो मैनपुरी में शहीद मूर्तियां लगी हुई हैं चार शहीदों की, तो उसके लिए उन्होंने कुछ पैसा मांगा। नेताजी ने तत्काल उनको जितना वो समझ रहे थे उससे कहीं ज़्यादा दे दिया। लौट कर के यहाँ आकर लल्लू सिंह ने कहा कि हम गलती करते थे, नेताजी में तो बहुत गुण हैं, हम समझ रहे थे कि हमसे शायद नाराज़ होंगे, हम उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। ऐसा था कि इटावा में एक बालमी की एमएलसी थी, उनकी लड़की की शादी थी, तो उसमें नेताजी को निमंत्रण दिया था उन्हें। नेताजी उस समय मुख्यमंत्री थे, हम एमएलए थे, तो सारे लोग आए थे उस शादी में, नेताजी भी आए थे। तो उन्हें दुर्गेश वाल्मीकि ने उनके लिए, नेताजी के लिए और उनके साथियों का हम लोगों को बैठने के लिए दावत हावत के लिए अलग व्यवस्था बनाई थी। और नेताजी जैसे आए, लड़की वाले को 51,000 रुपया दिए। एक बार जो करेल में दंगल हुआ था तो हम लोग देखने गए थे, तो पहलवान तगड़ा था, ये देखने में बहुत हल्के थे, तो हम लोग सोचते थे कि क्या लड़ाई लड़ेंगे, मगर उन्होंने 3-4 मिनट में ही उस बड़े पहलवान को पछाड़ा। कैसे पछाड़ा? ओ पछाड़ा गया, वो दो दाव उनके मुख्य थे, एक तो धोबी पाट और चरखा दाव लगाते थे, और चरखा दाव लगाने से सामने वाले को ये पता नहीं चलता था कि कब लग गया और चित्त हो गए। ऐसा था जो इनके गुरु थे, जिनको ये गुरु मानते थे, वो हमारे ससुर हुआ करते थे, श्री नत्थू सिंह जी। कहाँ रहते थे? वो करैल, पहले 1957 में वो करैल से एमएलए हुए और 1962 में जसमंत नगर से हुए। फिर उनने अपनी सीट मुलायम सिंह को दे के इनको लड़ाया और सब तरह से इनकी मदद की, पैसे से, राजनीतिक उस पर, और इनको जिता भी लिया। उसके बाद ये जब मध्यावधि चुनाव हो गया तब ये हार गई। जैसे गरीब लोगों की लाइन लग गई और एक तरफ अच्छे कपड़ा वाले, तो नेताजी पहले मिलते थे उन गरीब कपड़ा वालों और उनसे कह देते थे अच्छे कपड़ा वालों से कि तुमसे तो फिर भी मिल लेंगे। तो भैया बात रही नेताजी और नेताजी की कहानी की, लेकिन अगली बार हम आपको सुनाएंगे अपनी सड़क वाली कहानी। तब तक के लिए जयराम जी।